हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पैराबोला का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करना है और हमें उसे रेक्टेंगुलर मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, देखिए, ड्रॉ अ पैराबोला ऑफ बेस 160 mm एंड हाइट 80 mm बाय रेक्टेंगुलर और ओब्लॉन्ग मेथड। ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आइए ये पैराबोला का फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कवर करेंगे। इसमें अगर प्रॉपरली चेक करेंगे तो इसमें पैराबोला का बेस दिया है 160 mm और पैराबोला की हाइट दी है 80 mm। तो आइए ये लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये वीडियो आप लोग अंत तक पूरा देखिए ताकि पैराबोला ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले पैराबोला का बेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला का बेस जो कि दिया है 160 mm, तो ये हमने पैराबोला का बेस ड्रॉ कर रहे हैं 160 mm। तो ये पैराबोला का बेस आ गया 160 mm, हम इसको नेमिंग दे देंगे एज ए बी। पैराबोला का बेस हमने ड्रॉ कर लिए 160 mm और अब हमें पैराबोला की हाइट ड्रॉ करना है। पैराबोला का हाइट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले बेस का मिड पॉइंट ले लेंगे। तो हमने बेस का मिड पॉइंट ले लिए 80 mm पे और यहाँ पे हमने नाम दे दिए ओ। और अब यहाँ से हम लोग हाइट चढ़ाएंगे, हाइट दिया है 80 mm, तो 80 mm का हम लोग हाइट चढ़ाएंगे। तो हाइट जो है वो बेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो देखो प्रोटेक्टर से हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए परपेंडिकुलर, और अब यहाँ पे हम लोग पैराबोला की हाइट शो करेंगे। पैराबोला की हाइट जो कि 80 mm है, तो हम लोग ये 80 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये 80 mm का हमने लाइन ड्रॉ कर लिए पैराबोला की हाइट। और अब हमें इसको रेक्टेंगुलर मेथड से सॉल्व करना है, यानी ही ओब्लॉन्ग मेथड। तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हमने देखिए क्या किया, बेस को पैरेलल हमने रोलर स्केल रखे और रोल कराते हुए ऊपर लेके गए और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए बेस को एग्जैक्टली पैरेलल। और अब उसी तरह से ये देखिए हाइट को हमने पैरेलल रोलर स्केल ले लिए, हाइट को एग्जैक्टली पैरेलल, और ये बी तक रोल करा के लेके गए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, और उसी तरह से रोल करा के हुए ए तक लेके आए और यहाँ से भी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और यहाँ हमें रेक्टेंगल मिल गया। और अब ये रेक्टेंगल मिलने के बाद ये जो बेस का हाफ, जो आधा लेंथ है बेस का हाफ, दैट इज़ ए ओ, हमें उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बेस टोटल ए बी है, ए बी का हाफ ए ओ है, तो ए ओ को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। डायरेक्टली ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किए है 5 सेंटीमीटर का, और ये इंक्लाइंड लाइन 5 सेंटीमीटर के, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय टेकिंग 1-1 सेंटीमीटर ईच। तो ये हम 1-1 सेंटीमीटर ईच लेके हमने डिवाइड किए। और अब हम सबसे पहले लास्ट पार्ट को ज्वाइन करेंगे, ये जो इंक्लाइंड लाइन का लास्ट पार्ट है उसको हम ओ से ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग रोलर स्केल, और उसी को रोलर स्केल पैरेलल चलने देंगे ए के तरफ। और पैरेलल ड्रॉ करते समय ये AO जो लाइन है वो हमारी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये देखिए ये फाइनली ये 5 पार्ट में AO का डिस्टेंस 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और अब हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, नेमिंग फ्रॉम 1 to 4, दैट इज़ 1, ये 2, ये 3, ये 4, और लास्ट में जहाँ पे O है वहाँ पे 5 रहेगा। तो इस तरह से ये AO का लेंथ 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और अब ये रेक्टेंगल का हाइट, इसको भी हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। रेक्टेंगल का हाइट टोटल 80 mm का है, इसको भी हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ भी एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करे 5 सेंटीमीटर का, और इसको भी हम 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए ये लास्ट पार्ट को हम सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं ए से, और उसी को पैरेलल चलने देंगे सभी पार्ट्स। देखिए उसी को पैरेलल, लास्ट पार्ट को हमेशा पहले ज्वाइन करना है और सभी पार्ट्स उसी को पैरेलल चलने देंगे। तो ये देखिए हाइट फाइनली 5 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। और अब हम यहाँ भी नेमिंग दे देंगे, नेमिंग अगेन फ्रॉम 1 to 4, दैट इज़ 1, 2, 3, 4। हमेशा बेस का हाफ डिस्टेंस और ये हाइट हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने ए ओ को 5 पार्ट में डिवाइड किए और हाइट को भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ऊपर का पॉइंट है उसको हम सी पॉइंट दे देंगे, हाइट सी। और अब ये जो सी पॉइंट है ये सी से वन, सी से टू, सी से थ्री, सी से फोर, ऐसा हम ज्वाइन करेंगे। जो हाइट के ऊपर वन टू थ्री फोर है उससे हमें ज्वाइन करना है बाय यूजिंग स्केल, और ये लाइंस बिल्कुल फेंट ड्रॉ करना है। तो ये सी से वन हमने ड्रॉ कर लिए, अब ये सी से टू, ये सी से थ्री, देन सी से फोर। तो ये रेक्टेंगुलर मेथड, ऑबलोंग मेथड जो ये है इसमें ये मेथड फॉलो करना होता है। एलिप्स जो कि रेक्टेंगुलर मेथड से बनता है उसमें भी यही टेक्निक है। तो इतना होने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, जो बेस में वन टू थ्री फोर है वहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए जो वन टू थ्री फोर है यहाँ से हम वर्टिकल टू से, वन से, टू से, थ्री से, फोर से, ऐसे वर्टिकल हमें लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल वर्टिकल आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, हाइट को एग्जैक्टली रोलर स्केल हमने पैरेलल ले लिए। तो ये देखिए वन से, टू से, थ्री से और ये फोर से हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइंस। ये सभी लाइंस हाइट को पैरेलल चाहिए था, इसलिए हमने देखिए सभी हमने बराबर पैरेलल ड्रॉ किया है। और अब इतना होने के बाद देखिए ये सी वन और ये वन यहाँ पे क्रॉस हुआ, उसको पॉइंट मार्क करो। सी टू और टू यहाँ पे क्रॉस हुआ, सी थ्री और थ्री यहाँ पे क्रॉस हुआ, देखिए सी फोर और फोर यहाँ पे क्रॉस हुआ। तो इस तरह से हमें लेफ्ट साइड के फोर पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमने बेस को और हाइट को दोनों को फाइव फाइव पार्ट में डिवाइड किए थे। हमेशा दोनों बेस और हाइट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो बेस को हमने फाइव पार्ट और हाइट को भी हमने फाइव पार्ट में डिवाइड किए थे, हमेशा इक्वल पार्ट होना, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब ये जो हमने लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल में जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, देखिए ये जो रेक्टेंगल में जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वही कंस्ट्रक्शन हम राइट साइड के रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन। तो राइट साइड में रेक्टेंगल में भी हम वही कंस्ट्रक्शन करके आप इधर के फोर पॉइंट्स उधर आप उसी तरह से मार्क कर सकते हैं। लेकिन उसके बजाय देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक ऊपर का जो पॉइंट मिला वहाँ से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर कॉम्पास से इधर के पॉइंट्स उधर मार्क करेंगे, कॉम्पास का यूज़ करेंगे और उधर के पॉइंट्स का लेंथ हम इधर मार्क करेंगे, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स का लेंथ राइट साइड में मार्क करेंगे। तो ये देखिए जो लेफ्ट साइड के फोर पॉइंट्स हैं, जो हमें फोर पॉइंट्स मिले वो फोर पॉइंट्स से हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वही पॉइंट्स हम लेफ्ट साइड के लेंथ लेके हम राइट साइड में मार्क करेंगे। आप चाहे तो लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल में जो कंस्ट्रक्शन की वही कंस्ट्रक्शन राइट साइड के रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा हमने इधर के फोर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये जो ऊपर का पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो, ये पॉइंट भी जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो। उसी तरह से ये पॉइंट भी देखिए, ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना राइट साइड में मार्क करो, उसी तरह से ये पॉइंट भी जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो बाय यूजिंग कॉम्पास। ये कॉम्पास का यूज़ करके आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं ये। तो ये देखिए ये जो लाइन है, ये पॉइंट का ये जो लाइन है, ये लाइन के बीच में हम रखेंगे और ये पॉइंट का लेंथ हम लेंगे, ये पॉइंट जितने लेफ्ट साइड में है, देखिए जितने लेफ्ट साइड में है वो हमने लेंथ लेके उतना ही हम इसको राइट साइड में मार्क करेंगे। देखिए उसी लाइन पे रखते हुए जितना लेफ्ट साइड में था उतना ही हमने राइट साइड में मार्क किए। उसी तरह से अब ये लाइन पे रखिए और ये लाइन पे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही ये पॉइंट राइट साइड में होगा बिल्कुल, तो उतना ही ये पॉइंट राइट साइड में मार्क करो बाय यूजिंग कॉम्पास। और उसी तरह से ये पॉइंट भी जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, आप लेफ्ट साइड के पॉइंट्स राइट साइड में मार्क कर सकते हैं। या आपके पास एक और ऑप्शन था, जो आपने इधर के रेक्टेंगल में इतना सारा कंस्ट्रक्शन किए थे वही कंस्ट्रक्शन आप राइट साइड में कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, काफ़ी उसमें टाइम वेस्ट होता है ड्रॉ करने में। उससे अच्छा ये सबसे आसान टेक्निक है, आप इधर के फोर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इधर के पॉइंट्स आप उधर में डायरेक्टली बाय यूजिंग कंपास मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इधर के सभी फोर पॉइंट्स, लेफ्ट साइड के सभी फोर पॉइंट्स हमने राइट साइड में मार्क किए, हमने उसको मार्क कर लिया है। और अब हम ये सभी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से पैराबोला ऐसा निकालेंगे और यहाँ तक हम लोग ऐसा पैराबोला कर्व ड्रॉ करेंगे। और ये ड्रॉ करने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। देखिए ये है फ्रेंच कर्व, और ये फ्रेंच कर्व का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट साइड के पॉइंट्स के ऊपर हम फ्रेंच कर्व कुछ ऐसा सेट कर रहे हैं। ये देखिए पैराबोला का कर्व बहुत ही अच्छा आना चाहिए, इसलिए फ्रेंच कर्व प्रॉपरली सेट करना है, जहाँ तक सभी पॉइंट्स उसमें एडजस्ट करना है फ्रेंच कर्व के ऊपर। और देखिए ये देखिए सारे पॉइंट्स लगभग देखिए
अच्छे से देखिए, सारे पॉइंट्स लगभग उसमें फ्रेंच कर्व के ऊपर सेट हो चुके हैं और अब हम सभी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने सभी को ज्वाइन कर लिया है और ये आपको पैराबोला का ये जो कर्व है ये बहुत ही अच्छे से डार्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा बना। और अब हमने इधर का बनाएंगे। देखियो, जब हम लेफ्ट साइड का बना रहे थे तो हमने फ्रेंच कर्व ऐसा रखे थे और इसी को पलटा के अब हम ऐसा रखेंगे फ्रेंच कर्व। तो ये देखिए, अब हमने फ्रेंच कर्व ये इस तरह से राइट साइड में ऐसा रखे पलटा के और अब इधर के राइट साइड के सभी पॉइंट्स हम फ्रेंच कर्व के ऊपर लेके आएंगे और राइट साइड का हम कर्व बनाएंगे। तो ये राइट साइड का कर्व बन रहा है और बहुत ही अच्छा कर्व बनेगा, डार्क ड्रॉ करना है आपको। तो ये देखिए, हम फ्रेंच कर्व यहाँ से उठा दे, देखिए कितना अच्छा बन रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक कर्व आ चुका है, ये है पैराबोला। तो पैराबोला बन के तैयार है फाइनली। और अब ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। देखो, हमने यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, हम इसको कहेंगे पॉइंट एम। हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, हमने इसको कहा पॉइंट एम। हमें ये एम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एम पॉइंट है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू द बेस। बेस को एग्जैक्टली पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए आप यहाँ पे फिलहाल ये देखिए, एम से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने स्केल ले लिए बेस को पैरेलल और M से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो M से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिन ड्रॉ करेंगे, डार्क ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पॉइंट M से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते समय ये देखिए, ये जो हाइट है, पहले तो ये हाइट के लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऊपर। हाइट के लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए, उसका एक रीज़न है। देखिए क्या रीज़न है, आपको आगे समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो M पॉइंट से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे, ये देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये बीच में कहाँ पे क्रॉस हुई वो चेक करिए। देखिए, जहाँ पे क्रॉस हुआ वहाँ पे आप हाइट के ऊपर, जहाँ पे क्रॉस हुआ वहाँ पे हम पॉइंट P दे देंगे। देखिए, हमने इसको नाम दे दिए पॉइंट P। और अब ये पॉइंट P कॉम्पास का यूज़ करेंगे और ये पॉइंट P जितना नीचे है उतना ही ऊपर मार्क करो। वो जो हमने लाइन एक्सटेंड किए थे ऊपर, उसके ऊपर वो पॉइंट P जितना, ये देखिए, ये पॉइंट P जितना नीचे है उतना ही ऊपर मार्क करो। C से जितना नीचे है, C से जितना नीचे है उतना ही ये पॉइंट P आप C से ऊपर मार्क करो। और कॉम्पास का यूज़ करके, कॉम्पास में हमने लेंथ ले लिए, ये देखिए C से लेके P का लेंथ हमने कॉम्पास में लिए और उतना ही लेंथ हम C से ऊपर ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसको हमने नाम दे दिए P-। तो ये हमने नाम दे दिए P-। जितना पॉइंट P नीचे है, देखिए जितना ये पॉइंट P नीचे है C से, उतना ही ये पॉइंट P- ऊपर है C से। और अब ये P- और M को ज्वाइन करना है और P- और M को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वही होगी हमारी टेंजेंट। और अब हम इसको बाय यूजिंग स्केल ज्वाइन करेंगे, P- से लेके M ये हम ज्वाइन करेंगे। तो ये बन रहा है टेंजेंट। पैराबोला का ये जो प्रॉब्लम है, इसमें पहले टेंजेंट बनता है, नहीं तो जनरली कोई भी प्रॉब्लम में पहले नॉर्मल बनता है देन आफ्टर टेंजेंट बनता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमने पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। देखिए, ये है टेंजेंट और ये M से आपको अब नॉर्मल ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो ये हमने पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट M पे प्रोटेक्टर को हम यहाँ सेट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल लेंगे। पॉइंट M पे 90 डिग्री, दैट इज़ परपेंडिकुलर एंगल लेंगे और अब हम यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा डार्क बनाएंगे। तो ये नॉर्मल और टेंजेंट फाइनली बन चुका है और टेंजेंट को आप एरो भी दे देंगे, एरो नहीं दिए तो भी चलेगा, चॉइस आपकी है। टेंजेंट के ऊपर लिख लेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर लिख लेंगे नॉर्मल। तो इस तरह से कोई भी पैराबोला की प्रॉब्लम में आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट के ऊपर हमने लिख लिए टेंजेंट, देखिए, और ये नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल। तो इस तरह से ये टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर मेथड, और इसको हम ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहेंगे। और इसमें हमने टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिए। आप ये ज़रूर अपने ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करके देखिए,
तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले हमने जितने भी ड्राइंग के वीडियोस अपलोड किए थे उन सभी का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो सभी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। आपको अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।